हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं खजूर और सौंठ की खट्टी मीठी सी चटनी, जो हर तरह के चाट में डाली ही जाती है, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। तो मैंने ले लिया है एक भाग इमली और उसका चार भाग लिया है खजूर। इनके बीज निकले हुए हैं और इन्हें अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया है और इसके बाद इसे छान लिया है ताकि जो भी इसके रेशे हैं वो आराम से निकल जाएँ और स्मूथ सी चटनी हमारी तैयार हो। मैंने इसे डायरेक्टली पैन में ही छाना है। इसके बाद इसे हम रख देंगे गैस पर और जितना हमने खजूर और इमली लिया है उसका दुगना ले लेंगे गुड़। इसके बाद इसमें डालेंगे आधा चम्मच सौंठ, लाल मिर्ची का पाउडर कलर के लिए और थोड़ा सा नमक। आप चाहे तो इसमें गुड़ की जगह चीनी भी डाल सकते हैं या गुड़ चीनी आधा आधा। इसमें मैंने डाला है ये एक कटोरी पानी और इन सबको हमें बढ़िया से मिलाना है लगभग 20 से 30 मिनट के लिए और बस हमारी रेडी है चटनी। ये चटनी सेव पूरी, भेल पूरी, पानी पूरी या किसी भी तरह के चाट के साथ आप इसे यूज करें। ये टेस्ट में बहुत ही अच्छी है और ये बनने में भी बहुत ही ईजी है। ठंडा करने के बाद इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें और इसे एक महीने तक यूज़ करें। रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।